आज हम समझेंगे चोकर वीट ब्रांड की क्या इंपॉर्टेंस है और कितना हम यूज कर सकते हैं हमारे डेयरी फीड में, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार किसान भाई, दिस इज डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं सबका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वीट ब्रांड के बारे में, चोकर के बारे में। बड़ी मैंने अपनी फीड फॉर्मुलेशन जब देता हूँ तो उसमें लिखा होता है ब्रांड, मतलब कि चोकर इतना आपने डालना है, राइट। अब आपको पता है कि दाना बनाने के लिए कितने कितने एस्पेक्ट जरूरी है, कि उसमें प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, उसमें फैट अच्छा होना चाहिए और इसमें फाइबर अच्छा होना चाहिए, राइट। तो फाइबर जो आता है वो आता है हमारे चोकर से, ब्रांड से आता है। अब बड़ी बार मेरी वीडियोस पे आपने ये भी देखा होगा कि मैं बोलता हूँ अगर आपने फैट कंटेंट दूध में बढ़ाना है तो आपकी डाइट में, आपकी फीड में फाइबर कंटेंट हाई होना चाहिए। और जो ये फाइबर कंटेंट है वो किससे आता है, वो आता है इस चोकर से, इस ब्रांड से, राइट। ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है, हमारी जो भी आटा चक्के होते हैं उनसे आसानी से मिल जाता है, बड़ा ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अब ये वीट ब्रांड होता है क्या, जब भी हम गेहूं को पिसाई के लिए चक्की से लेके आते हैं वो इसकी आउटर लेयरिंग को निकाल के हमें जो अंदर वाला कंटेंट होता है उसको पीस के आटा दे देते हैं, राइट। और हम वो यूज करते हैं अपने घर में जो चपाती वगैरह बनाने के लिए, राइट। तो नॉर्मली क्या होता है, जब वो उसको उस लेयर को उतार देते हैं, उस लेयर का ही क्या बनता है, चोकर बनता है। और उस लेयर में इतना ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, प्रोटीन कॉन्टेंट, फाइबर कंटेंट इतना हाई होता है कि उसको लोग डिस्कार्ड ही करते हैं। लेकिन अब लोग अवेयर हो गए, अपने घर के लिए जब वो आटा पिसाते हैं उनको होता है कि वो वाली लेयर भी हमें बीच में ही पीस के दे दो, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन कंटेंट काफी हाई होता है। अब जो ये ब्रैन बचता है जब गेहूं की पिसाई होती है, ये नॉर्मली हमें इजिली चक्कियों से मिल जाता है अपने एनिमल्स को डालने के लिए। अब इसमें जो प्रोटीन कंटेंट है वो 14% तक प्रोटीन कंटेंट है और इसमें फाइबर कंटेंट भी इतना हाई है 13% तक, मतलब इतने इंग्रेडिएंट्स में इतना फाइबर कंटेंट मिलता ही नहीं है जो मैं फ्री से गेहूं के जो ये वीट ब्रांड से मिल जाता है, राइट। इसको यूज करने के इतने फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो इसमें यह है कि पशु का जो डाइजेशन सिस्टम है, पैलेटेबिलिटी है, वो बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि जब पशु के अंदर जो ह्यूमन की फर्मेंटेशन होगी, जो वेस्ट निकल के आ गया, नेक्स्ट वो इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, तब वो जब गोबर के रूप में, जब वो एक एनिमल को एक कॉन्स्टिपेशन से बचाता है और गोबर के रूप से जितना भी जो मल है वो बाहर आ जाता है, वो इजीली हेल्प करता है पशु को जो उसका डेफिकेशन के प्रोसेस में, राइट। तो वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निकल जाता है। दूसरा एस्पेक्ट इसमें कि प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा है, जब राशन फॉर्मुलेशन करते हैं तो हमें फ्री के साथ में प्रोटीन भी मिलता है। तीसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाइबर का, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा दूध में फैट मिलता है और ओवरऑल बॉडी में जो एनिमल की जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें काफ़ी हेल्प होती है, राइट। और नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसमें फास्फोरस कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, राइट। अब फास्फोरस कंटेंट हाई होने की वजह से इससे क्या होता है कि नॉर्मली जब एनिमल को कंसेप्शन वगैरह होनी होती है तो हम कई बार फास्फोरस के एनिमल को इंजेक्शन लगवाते हैं, तो उस केसेस में फास्फोरस वगैरह के इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फास्फोरस कंटेंट बड़ा होता है। चोकर के वीट ब्रांड्स की इंपॉर्टेंस जैसे हॉर्सेस वगैरह में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में डालते हैं, लेकिन डेयरी सेक्टर में इतना इसको जब फीड फॉर्मुलेट करते हैं बस उतने ही 10-15 तक रहते हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिसकी वजह से हम इसको 10-15 तक ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते। कुछ इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के इशू होते हैं और कुछ एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर्स होते हैं जो हम इससे ज़्यादा अगर डालेंगे तो दिक्कत करेंगे। तो आप ट्राई करो कि 10 से 15 किलो तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब कई बार आपने फार्म्स में देखा होगा एनिमल को स्किन के बड़े इशूज़ होते हैं, राइट। स्किन के नॉर्मली मैंने जब देखा है कि भैंसों के केसेस में जो स्किन का कोट होता है नॉर्मली वो डार्क ब्लैक कई बार होता है, लेकिन फिर भी पैचेस पड़ जाते हैं उसमें लाइट ब्राउन से, मतलब पैचेस टाइप पड़ जाते हैं वाइट वाइट कलर के। तो उस केसेस में भी लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में पड़ते हैं कि कुछ मिनरल्स की डेफिशिएंसीज होगी, कुछ होगी, लेकिन वो चीज़ें भी हमारी अगर हम ब्रांड डालें तो काफ़ी हद तक ठीक हो सकती हैं, राइट। तो ब्रांड की इंपॉर्टेंस इतनी है। तो आप अपने जब फीड फॉर्मुलेशंस करें तो ट्राई टू इंक्लूड अपने फाइबर कंटेंट्स। एक तो एक हमारी फीड बैलेंस बनेगी, दूसरा हमें जो इसके फायदे हैं फाइबर के, प्रोटीन के, फास्फोरस के, वो भी काफ़ी मिलेंगे, राइट। अगर मैं बात करूँ पोल्ट्री के केसेस में, राइट, तो पोल्ट्री के केसेस में भी जब मोल्टिंग प्रोसेस होती है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो उस केस में फाइबर बड़ा चाहिए होता है। तो उस केस में चोकर जब हम डाइट्स में डाल देते हैं पोल्ट्री केसेस में बड़ा हेल्पफुल होता है, राइट। इतने सस्ते सोर्स से इतने फायदे ले सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप अपने फीड फॉर्मुलेशंस में चोकर को, वीट ब्रांड को जरूर ऐड करो और उसके जो फायदे हैं आप जरूर अपने फार्म्स में ले सको, राइट। तो इसी के साथ अगर आपका कोई क्वेरी हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में या मेरे नंबर पर आप टेक्स्ट मैसेज सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल मत करना, और मेरी मेल आईडी में मेल कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में तो कमेंट कर ही सकते हो। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा आप अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार।